हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 12 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग को थ्री फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करनी थी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें से हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन ओवर कर लिया है और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन एंड देन इसका क्लासिफिकेशन और उसके बाद नॉमनक्लेचर। और अगर वीडियो लॉन्ग नहीं हुआ तो मैं आज ही इसका आइसोमेरिज्म भी बताऊंगी। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी बच्चों। तो इंट्रोडक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड नेम ही आपको समझ में आ रहा होगा, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। एक्चुअली में जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग लिखते हैं बच्चों CO, एंड हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लिखते हैं बच्चों OH। इन दोनों से कंबाइन होकर फॉर्म हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। दिस इज COOH। ओके, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चों, वो टू टाइप के होते हैं। एक होता है अपना एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड है बच्चों, या फिर मैं बात करूं, चलिए एसिटिक एसिड की ही बात कर लेते हैं हम लोग, इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको, इस तरह से भी। ओके, तो ये सारे के सारे एलिफैटिक हैं। नाउ एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारा ग्रुप आता है वो बच्चों एरोमेटिक में क्या आना है, बेंजीन, और बेंजीन में एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाता है यहाँ पे। अब इसको हम दोनों ही तरीकों से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना बेंजोइक एसिड। ओके, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलिए नोट कर लीजिए इसको बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ओके, तो हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, क्लासिफिकेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को, मार्कर मेरा थोड़ा लाइट चल रहा है बच्चों, तो मैं डार्क मार्कर ले लेती हूँ। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, उसको हम लोग थ्री ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है अपना मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ सेकंड है अपना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ लास्ट इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नाउ मोनो कार्बोक्सिलिक एलिफैटिक की बात मैं करूं तो फिर से एक बार मैं एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, इसके एग्जांपल यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक में बच्चों हम लोग यहाँ पर देंगे एग्जांपल सक्सीनिक एसिड का, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने दिखेंगे आप लोगों को, टू, इसीलिए इसको हम लोग
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं. ओके, तो दिस इज सक्सीनिक एसिड. नाउ एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक का. ट्राइकार्बोक्सिलिक का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है बच्चों वो है हमारा सिट्रिक एसिड. तो दिस इज सिट्रिक एसिड. इसी तरह से एरोमेटिक में भी होता है बच्चों. तो एरोमेटिक का एक मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पे, तो ये है अपना बेंजोइक एसिड और इसके बाद जो डाई कार्बोक्सिलिक है उसमें इसको बोलते हैं हम लोग थैलिक एसिड. ओके, तो दिस इज बेंजोइक एसिड एंड दिस इज थैलिक एसिड. ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए. तो बच्चों एलिफैटिक जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से मोनो कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक जो मैंने अभी बताया, अगर उसमें कार्बन का नंबर 12 से ज़्यादा है, मीन्स हायर देन कार्बन 12, तो वो सारे हमारे फैटी एसिड्स में आते हैं. जितने भी नेचुरल फैट्स होते हैं जैसे पामेटिक एसिड वगैरह, वो सारे हमारे इसमें ही आते हैं. तो मेरी बात कहने का बात क्या था, मतलब मीन्स क्या था उसका, कि कार्बन 12 से अबव अगर कोई एलिफैटिक एसिड है तो उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, फैटी एसिड्स में. ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों नॉमेनक्लेचर. तो हेडिंग लगा लीजिए नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि ज़्यादा ही पूछा जाता है, कंपटीशन हो या बोर्ड हो उसमें IUPAC ही पूछेगा बच्चों. तो मैं कुछ बॉन्ड लाइन के ही बता देती हूँ फटाफट से. सपोज सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और इसके बाद ही हम लोग को नंबरिंग. तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. और याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके कार्बन को जरूर पैरेंट चेन में हम इंक्लूड करेंगे बच्चों. यहाँ पर एक हमारा सब्स्टिट्यूट बन गया है मिथाइल, तो सबसे पहले जो नेमिंग होगी वो इसी सब्स्टिट्यूट की होगी. तो 3-methyl, इसके बाद 5 के लिए जो हमारा अल्क आएगा वो क्या आएगा बच्चों, पेंट. सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन का ई मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ऑइक एसिड, जो कि वॉबल ही है, तो दो कंटिन्यूस वॉबल्स नहीं आने चाहिए. तो मैं यहाँ पर 1 ऑइक एसिड भी लिख सकती हूँ या फिर मैं डायरेक्ट भी ऑइक एसिड लिख सकती हूँ, क्योंकि पोजिशन 1 है इसकी, तो 1 पोजिशन लिखना ज़रूरी नहीं होता है. ओके, तो कुछ इस तरह से इस कंपाउंड का नेम हो गया बच्चों 3-methyl पेंटेन 1 ऑइक एसिड. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग. चलिए, तो अभी यहाँ पर हम लोग के पास फर्स्ट और लास्ट दो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल रहे हैं अपन को. तो दो में से एक फर्स्ट और एक लास्ट तो होना ही होना है, लेकिन कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा लास्ट ये डिसाइड करेगा हम लोग का प्रायोरिटी ऑर्डर. तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप एंड देन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड एंड देन इसके बाद सब्स्टिट्यूट. ओके, तो हम देखेंगे कि जो सेकेंड कार्बन है उस पर हमारा क्या मिल रहा है. तो यहाँ देखिए कि फंक्शनल ग्रुप के बाद अपन लोग को मिल रहा है बच्चों डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पर अपन को क्या मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप के बाद अपन लोग को मिल रहा है सब्स्टिट्यूट. तो प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड. तो नंबरिंग होगी बच्चों ये. अब अगर ऊपर जाते हैं तो 7, 8, लेकिन अपन लोग नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है अपना फंक्शनल ग्रुप, इसको पैरेंट चेन में ही रखना है, तो अभी हम ऊपर नहीं जा सकते. 7 की ही चेन बनेगी. ये हमारा एक सब्स्टिट्यूट इथाइल और ये हो गया अपना मिथाइल. ओके, तो ये ऑर्डर तो आपको पता है, तो
इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले नेमिंग होती है किस हमारे सब्स्टिट्यूट की, और सब्स्टिट्यूट क्योंकि डिफरेंट है बच्चों, तो हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इनका नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पर क्या है, मिथाइल, तो 6-ethyl, 4-methyl, चलिए हो गया इनका नेम। अब आती है अल्क की बारी, तो अल्क अपना 7 है, तो हो जाएगा हेप्ट, एन नहीं लगा सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है, किस कार्बन पे, 2 और 3 पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 2-ईन, ईन का ई मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसके लिए जो आएगा सेकेंडरी सफिक्स वो एक है, तो हम लिख देंगे कहाँ कहाँ पर है बच्चों, 1 पे है और 7 पे, डाई ऑइक एसिड, ओके। तो ये सारा आप लोगों ने 11th में वैसे भी पढ़ा हुआ है, यहाँ मैं रिवाइज करा रही हूँ, ओके। चलिए एक और मैं थोड़ा सा डिफरेंट ले लेती हूँ एग्जाम्पल, जिसमें आपको वाला रूल्स याद आ जाए क्लास 11 का। चलिए, तो अभी यहाँ पर भी वही है, कहीं से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1, 2, 3 पे ही मिल रहा है अपन को, सेकंड 1, 2, 3 पे ही मिल रहा है। लेकिन किस तरह से अब हम करेंगे बच्चों, यहाँ से अगर मैं चलती हूँ तो 1, 2, 3 ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन हमारा पैरेंट चेन में नहीं आ पा रहा है, 4, 5 ये भी छूट रहा है, मतलब 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं जो कि पैरेंट चेन में नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए IUPAC क्या बोलता है कि अगर ऐसा होता है तो आप सारे ही फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ दीजिए, उन सभी में से किसी को भी आप पैरेंट चेन में इंक्लूड मत करिए। तो अभी हम इस कार्बन को भी छोड़ देंगे, तो टोटल जो हमारे कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन हैं चारों के चारों हमें छोड़ने होंगे। अब जो पैरेंट चेन बनेगी नई, वो बनेगी हमारी कम कार्बन की। पहले कितने की बन रही थी बच्चों, पहले हमारी अगर हम इसको इंक्लूड करते तो 7 कार्बन की बन रही थी, लेकिन अभी 5 की हो गई, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हम डायरेक्टली आएंगे अल्क, अल्क हमारा 5 कार्बन का है पैरेंट चेन, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और क्योंकि इसका कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है बच्चों, तो अभी हम ओइक एसिड नहीं लिख सकते, इसके लिए हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हम ई लगाएंगे, ई हटाने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, पोजीशन देखिए, 1, 2, 4 एंड 5। 1, 2, 4 एंड 5। 4 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक मैंने क्यों लगाया, समझ में आ गया है ना, क्योंकि पैरेंट चेन में इनके कार्बन को हमने इंक्लूड नहीं कर रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक, 4 था तो टेट्रा, ओके। चलिए नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के अलावा भी कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे, नंबर 4, जो भी नंबर होगा आप डाल लेंगे। अब यहाँ देखिए कि ये जो अपना फंक्शनल ग्रुप है, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया अपना कार्बोक्सिलिक, लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, तो दो दो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जब जैसे दो फंक्शनल ग्रुप हो गया तो एक तो अपना बन जाएगा बच्चों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा उस केस में, ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूट। और एल्डिहाइड जब सब्स्टिट्यूट बनता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्माइल, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्माइल, कहाँ पर आ रहा है, कार्बन 2 पे आ रहा है, तो कार्बन 2 पे फॉर्माइल है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की ही नेमिंग होती है 2-फॉर्माइल, 2 कार्बन का है, तो इथेन ऑइक एसिड, ओके। एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ लाइक दिस, दिस इज, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, ये है कार्बोक्सिलिक और ये फॉर्माइल, तो ये हो जाएगा अपना 1 पे ही है फॉर्माइल, कार्बन 1 से ही जुड़ा हुआ है, तो 1-फॉर्माइल मिथेनोइक एसिड, मीथेन ऑइक एसिड, ओके। तो ये तो हो गया कि जब एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक है, तो अगर कीटोन आता है सपोज लाइक दिस, CH3CO,
CH2COOH। तो अभी हम क्या करेंगे, तो भी हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा और ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूट कीटोनिक ग्रुप। तो इसके लिए हम लगाते हैं बच्चों ऑक्सो, ओके, क्योंकि इसका जो कार्बन है ना बच्चों वो पैरेंट चेन में इंक्लूड हो जाता है, तो हम इसके लिए लगाएंगे ऑक्सो। अगर नहीं होगा तो कीटो लगाते हैं। तो यहाँ तो हो चुका है बच्चों, तो फिर ये अभी हमारा सब्स्टिट्यूट बन चुका है, तो 3-ऑक्सो-4-कार्बन के लिए ब्यूटेन ऑइक एसिड, ओके। नाउ एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ही देख लेते हैं। सपोज CH3CH, यहाँ पर मैंने लगा दिया है एक एमिनो ग्रुप, तो इसके लिए जो नंबरिंग होगी बच्चों, यहाँ पर भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम नंबरिंग करेंगे, 3 कार्बन की मेन चेन, 2 पे हमारा एमिनो ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2-amino प्रोपेन ऑइक एसिड, ओके। नाउ अगर अल्कोहलिक ग्रुप है तब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है एक अल्कोहलिक ग्रुप, तो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही टॉप पे रहता है, तो यही बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जब भी हमारा अल्कोहल सब्स्टिट्यूट बनता है तो हम इसको लिखते हैं बच्चों हाइड्रोक्सी, ओके। तो हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बन चुका है अल्कोहलिक ग्रुप, तो आ जाएगी इसकी नेमिंग 3-hydroxy-4-carbon के लिए ब्यूटेन ऑइक एसिड, ओके। चलिए इतना नोट करिए, फिर मैं आगे और बताती हूँ बच्चों। अब हम लोग कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं। सपोज बेंजीन रिंग के साथ बच्चों अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये हो जाता है हमारा बेंजोइक एसिड। नाउ अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो हो जाता है थैलिक एसिड। और अगर हम IUPAC की बात करें, वैसे तो रन ये भी करता है, लेकिन अगर IUPAC की बात करें तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो इसका नेम होगा बच्चों वो होगा बेंजीन 1,2-dicarboxylic एसिड, ओके। नाउ एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम लोग पॉलीफंक्शनल के, इसमें भी देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट आ गया है लाइक CH2, तो प्रायोरिटी तो 1 इसी को देंगे हम, ये सब्स्टिट्यूट हो चुका है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2-methyl, क्योंकि मिथाइल अगर मैं हटा दूँ तो दिस इज बेंजोइक एसिड, ओके। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बेंजोइक एसिड। नाउ अगर इसमें नाइट्रो ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दूं तो क्या होगा बच्चों, तो 1, 2, 3, तो नेम हो जाएगा 3-hydroxy-benzoic एसिड। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, सपोज मैं लगा दूं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप NO2 और यहाँ पे लिखूं मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये इसकी जो पोजीशन है पैरा पोजीशन पे आ रहा है, तो हो जाएगा 4-nitro-benzoic acid, ओके। तो ये हो गया बच्चों हमारा IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर। नाउ अभी हम लोग करते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है, चलिए। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में आइसोमेरिज्म। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्चुअली बच्चों जो आइसोमेरिज्म है वो 3 टाइप के हैं। तो 3 टाइप में जो सेकंड टाइप है उसके बारे में तो हम लोग उतना ज़्यादा मतलब उसमें श्योरिटी नहीं आती है, लेकिन देखा जाता है कॉमन नेम में हम लोग देखते हैं वो सेकंड टाइप क्या है एक्चुअली में पोजीशन। फर्स्ट तो चेन आइसोमेरिज्म इसमें कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे से देखा जाता है, लेकिन जो हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म है क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है तो ये ऑलवेज कॉर्नर पर चला जाता है और फर्स्ट नंबर यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो उतने अच्छे से इसकी क्लैरिटी नहीं हो पाती है. एंड द थर्ड इज अ फंक्शनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म. हेडिंग लगा लीजिए आइसोमेरिज्म. फर्स्ट टाइप जो है बच्चों हमारा वो है चेन आइसोमेरिज्म. तो चेन आइसोमेरिज्म बच्चों हमको पता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो कार्बन की चेन होती है वो डिफर कर जाती है. सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ ब्यूटानिक एसिड का. तो यहाँ पे कार्बन के टोटल जो नंबर हैं वो फोर हैं, और फोर हैं तो इसका जो हम लोग नेम लिखेंगे बच्चों वो है हमारा ब्यूटेन वन ऑइक एसिड. अभी क्या करना है अपन को, ये तो कार्बन वन पे ही रहेगा अपना कार्बोक्सिलिक, लेकिन कार्बन की चेन जो है वो कम हो जाएगी. तो कैसे कम होगी बच्चों, मैं यहाँ पर एक CH3 लगा दूंगी. ये देखिए आप लोग कहीं से भी जाइएगा तो हमारा 3 ही होना है इसमें. तो कार्बन की चेन अभी हमारी शॉर्ट होगी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 की है. तो अभी जो इसका नेम आएगा वो होगा 2-methylpropionic या propane-1-oic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी चेन है कार्बन की वो चेंज हो चुकी है, जिसमें कार्बन कितने बच्चों 4 और हाइड्रोजन कितने अपने 8 एंड ऑक्सीजन 2. तो दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम हैं, लेकिन जो इसकी चेन है पैरेंट चेन है वो डिफर कर गई. तो ये आपस में हो गए बच्चों चेन आइसोमर. चलिए नोट कर लीजिए इसको. नाउ बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म. चलिए नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या देखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है. तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि उतना क्लैरिफाई नहीं हो पाता है, कॉमन नेम में क्लियर होगा, लेकिन इसमें कार्बन की जो हमारी पैरेंट चेन है वो उतनी ही रहनी चाहिए, वो छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बच्चों सक्सीनिक एसिड का. तो ये है अपना सक्सीनिक एसिड. जिसमें जो कार्बन है बच्चों वो 4 है, और हाइड्रोजन की बात करें तो ये 6 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं. अब इसी का एक और फॉर्म हम किस तरह से बना सकते हैं बच्चों, CH3CH COOH. तो इसका जो कॉमन नेम आता है बच्चों दिस इज मिथाइल मेथेनोइक एसिड. मेलानोइक एसिड. तो ये कॉमन नेम है. अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो है एडजेसेंट कार्बन के साथ कार्बोक्सिल लगे हुए हैं. जैसे हम लोगों ने हेलोएल्केन हेलोरिन में पढ़ा था जैम एंड विस. तो यहाँ पे बेस है और यहाँ पे जैम के एक ही कार्बन के साथ दोनों कार्बोक्सिलिक हैं, और यहाँ पे दो एडजेसेंट कार्बन के साथ हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं. तो यहाँ पर कुछ बुक में दिया हुआ है कि इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, यहाँ पे जेम वाली पोजीशन आ रही है और यहाँ पे विस वाली पोजीशन विसिनल वाली आ रही है, तो वो आपस में हो जाते हैं बच्चों पोजीशन आइसोमर. ओके चलिए नोट करिए इसको. तो बच्चों अब लास्ट जो इसका आइसोमेरिज्म है वो है थर्ड टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. तो नोट कर लीजिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म
इसमें क्या होगा बच्चों, तो इसमें हमारा जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप वैरी कर जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं C3H6O2, इससे अपना जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो बनेगा CH3CH2COOH, ठीक है। दिस इज प्रोपियोनिक एसिड, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। आप इसी से अपन लोग क्या बना सकते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एस्टर में। कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं इससे दो एस्टर बना सकती हूँ, CH3CO OCH3। देखिए कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6। ओके सेम है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, तो दिस इज मिथाइल, कितने कार्बन आ रहे हैं, तो दिस इज मिथाइल इथेनॉइड। ओके नाउ दिस इज HCOOC2H5, ये भी एक अपना बन सकता है। तो दिस इज इथाइल फॉर्मेट, दिस इज इथाइल फॉर्मेट एंड दिस इज मिथाइल एसीटेट या मिथाइल इथेनॉइड। ओके तो ये हो गए आपस में ये सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर। ये भी हो गया बच्चों, ये एस्टर मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग का आइसोमेरिज्म ओवर हो गया है। आप लोग इसको क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, और आज का वीडियो मैं यहीं ओवर करूँगी, नहीं तो आप लोग को फिर नींद आने लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रिपरेशन मैथड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।